अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन परफॉर्मर शेयर किया है। ऐसे तलबा जो खिजान 2023 में अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं, वो इस एप्लीकेशन परफॉर्मर को फिल करके मेन कैंपस भेजेंगे। आपको बताता चलूँ कि इसमें 3-4 शरायत लिखी हुई हैं। अगर आप उन शरायत पर पूरा उतरते हैं तभी आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकता है, वरना नहीं होगा। बाहर 2024 यानी कि जिसके अभी दाखिले जारी हैं, इससे आनवर्ड अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवाना होगा तो आपको CMS पर अप्लाई करना पड़ेगा। करंट सेमेस्टर खिजान 2023 के अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए आप इस परफॉर्मिंग को फिल करके अगर आप मतलूबा शरायत पर पूरा उतरते हैं तो फिर आप अप्लाई करके मेन कैंपस ये दरख्वास्त फार्म भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन परफॉर्मर शेयर किया है। ऐसे तलबा जो खिजान 2023 में अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं, वो इस एप्लीकेशन परफॉर्मर को फिल करके मेन कैंपस भेजेंगे। आपको बताता चलूँ कि इसमें 3-4 शरायत लिखी हुई हैं। अगर आप उन शरायत पर पूरा उतरते हैं तभी आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकता है, वरना नहीं होगा। बाहर 2024 यानी कि जिसके अभी दाखिले जारी हैं, इससे आनवर्ड अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवाना होगा तो आपको CMS पर अप्लाई करना पड़ेगा। करंट सेमेस्टर खिजान 2023 के अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए आप इस परफॉर्मिंग को फिल करके अगर आप मतलूबा शरायत पर पूरा उतरते हैं तो फिर आप अप्लाई करके मेन कैंपस ये दरख्वास्त फार्म भेजेंगे।